तत्कालीन बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा के पैगंबर मोहम्मद पर आपत्तिजनक टिप्पणी से उपजा विवाद थमा भी नहीं है कि विश्व हिंदू परिषद ने एक अहम ऐलान कर दिया है। इस हिंदुत्ववादी संगठन ने कहा है कि वह इस्लामी जिहाद के खिलाफ सड़कों पर उतरेगा। विश्व हिंदू परिषद यानी विहिप की युवा इकाई बजरंग दल ने घोषणा की है कि देश में बढ़ती इस्लामिक जिहादी कट्टरपंथियों की अतिवादी घटनाओं के खिलाफ संगठन के लोग सड़कों पर उतरेंगे। विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विनोद बंसल की ओर से जारी बयान में कहा गया है, मस्जिदों से निकलने वाले जिहादी कट्टरपंथी लगातार हिंदुओं के घरों को जला रहे हैं और उन पर जानलेवा हमले कर रहे हैं। इन हिंसक घटनाओं के विरुद्ध बजरंग दल आगामी गुरुवार 16 जून को देश भर के जिला मुख्यालयों पर धरना देगा और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी देगा। विहिप के केंद्रीय महामंत्री मिलिंद परांडे ने कहा, गत शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद जिन मस्जिदों से उन्मादी भीड़ व दंगाई निकले थे उन पर कड़ी निगरानी रखी जाए। जिन लोगों ने उस भीड़ को उकसाया उनके विरुद्ध भी अविलंब कठोर कार्रवाई कर उनकी गिरफ्तारी हो। इसी बयान में इसके आगे कहा गया है, हिंसा में शामिल लोगों के साथ उन जिहादी मानसिकता के लोगों, मस्जिदों व जमीयत उलेमाए हिंद जैसे संगठनों के विरुद्ध भी शिकंजा कसा जाए जो इन दंगाइयों के खाद पानी व प्रेरणा के स्रोत हैं। याद दिला दें कि इसके पहले बीजेपी के पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने एक टीवी डिबेट के दौरान पैगंबर मोहम्मद पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसके बाद कई देशों ने आपत्ति जताई थी और भारतीय दूतों को बुलाकर अपनी नाराजगी दर्ज की थी। इसके बाद बीजेपी ने नुपुर शर्मा को पार्टी से निलंबित कर दिया था, लेकिन इससे भी मामला शांत नहीं हुआ। बीते शुक्रवार को देश के कई शहरों में जुमा की नमाज के बाद लोगों ने उग्र प्रदर्शन किया। रांची में इस तरह के प्रदर्शन पर पुलिस की फायरिंग में 15 साल के मुदस्सिर और 20 साल के साहिल की मौत हो गई। इसके अलावा कोलकाता के नजदीक हावड़ा, प्रयागराज, कानपुर समेत कई शहरों में पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए बल का प्रयोग किया।